हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज स्टेट पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स एंड द एनिमल गिवन हियर इज ऑर्निथोरिंकस और द डक बिल्ड प्लेटिपस. सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डक बिल्ड प्लेटिपस और ऑर्निथोरिंकस के पेक्यूलियर फीचर्स के बारे में बताइए. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. सो द की कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें प्रोटोथीरियंस के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए. सो प्रोटोथीरियंस क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में. सो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोथीरियंस, देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. सो व्हाट आर प्रोटोथीरियंस? दीज आर द एग लेइंग मैमल्स. ऐसे मैमल्स जनरली आर द विवीपेरस, बट हियर दिस प्रोटोथीरियन, ये ग्रुप है जो मैमल्स का, दे ले एग. सो एग लेइंग मैमल्स, और एग लेइंग मैमल्स को हम कहते हैं ओवीपेरस. सो ओवीपेरस एनिमल्स, सॉरी मैमल्स, आर कॉल्ड द प्रोटोथीरियंस. सो एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपेरस मैमल्स आर द टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज द ऑर्निथोरिंकस. तो पहला जो ग्रुप है जो कि ओवीपेरस है, दिस इज द ऑर्निथोरिंकस, एंड सेकेंड इज द एकिडना. So these are two genus of the egg-laying mammals. So let's see now the characters of Ornithorhynchus. So first feature of this is that ki ye egg-laying hai. So first thing is that it is oviparous, aur ye apne eggs apne nest ke andar lay karta hai. So iska jo pehla feature ho jayega, that it lays, ये फर्टिलाइज्ड एग्स ले करता है. सो इट लेज एग्स इन द नेस्ट. सेकंड इज, अब हमने इसको डक बिल्ड प्लेटिपस क्यों कहा? क्योंकि इसकी जो बिल है और इसकी जो बीक है, सो इट्स बिल रिजेंबल्स द डक बीक. ये बीक जो है इसकी, ये ब्रॉड होती है. इट्स बिल इज ब्रॉड एंड फ्लैट, जैसे कि आपने देखी होगी डक के अंदर जो इसकी बीक है वो बहुत ही ब्रॉड और फ्लैट होती है. तो इसकी जो बिल है, दैट इज लाइक द डक. सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द डक बिल्ड प्लेटिपस. नाउ पिन्ना आर एब्सेंट. पिन्ना मीन्स एक्सटर्नल ईयर. सो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं यहाँ पे. It has mammary glands because it is mammal, so it has mammary glands. So mammary glands are there, are present. Next character is that they are unisexual. Male alag aur female alag hota hai, and they exhibit sexual dimorphism. So they exist in two forms, male or female ko hum डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज हैविंग द सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सो दीज आर सम पेक्यूलियर फीचर्स. वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट कि जो डक बिल्ड प्लेटिपस है, इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक. इसको हम कनेक्टिंग लिंक मानते हैं किस किस के बीच का, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. ये हमें इंडिकेट करता है कि रेप्टाइल से ही मैमल्स इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही ग्रुप के कैरेक्टर्स मिलते हैं. तो रेप्टाइल्स जैसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं ऑर्निथोरिंकस में? इसकी जो एग लेइंग हैबिट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी ये माना जाता है कि रेप्टाइल्स ही मैमल्स में इवॉल्व हुए हैं, तो इस मैमल के अंदर रेप्टाइल के कैरेक्टर का होना ये इंडिकेट करता है कि हमारी एंसेस्ट्री रेप्टीलियन है. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स. मैमल्स के तरह इसके पास मैमरी ग्लैंड्स होती है, और रेप्टाइल्स की तरह जो इसकी एग लेइंग हैबिट है, बिकॉज रेप्टाइल्स ले फर्टिलाइज्ड एग, सो दे ऑल्सो ले फर्टिलाइज्ड एग. सो दिस एग लेइंग हैबिट, इनका जो एक्सक्रिटरी सिस्टम है, सो एक्सक्रिटरी जो इनका सिस्टम है, मीन्स वेस्ट को रिमूव करने वाला सिस्टम, उसकी वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये रेप्टाइल जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है. सो ये जो फीचर्स है ये इसको रेप्टाइल्स की तरह बनाते हैं. मेमोरी ग्लैंड्स का होना इसको
मैमल बनाता है. सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स. सो दीज आर द पेक्चुलर फीचर्स ऑफ डक बिल प्लेचेस. बस आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.